है ना। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डेल ऑपरेटर। तो डेल ऑपरेटर, सॉरी, डेल ऑपरेटर। तो डेल ऑपरेटर के बारे में आपको कुछ आइडिया है कि डेल ऑपरेटर क्या होता है? कोई भी बताना चाहेगा व्हाट इज डेल ऑपरेटर, ये होता क्या है? बच्चों आवाज आ रही है ना आप लोगों को मेरी? हेलो बच्चों आवाज आ रही है आप लोगों को मेरी? कट कट के आ रही है आवाज सर, कट कट के आ रही है आवाज आपकी। बेटा कट कट के आ रही है तो ये आपके एंड पर प्रॉब्लम है। सब लोगों को कट कट के आ रही है क्या? मैं आपके एंड पर आ रही है ना, तो आप तो देखो बाकी लोगों के पास तो आ रही है सही, आपके पास ही कट कट के आ रही है। तो देखो एक बार चेक करो, रिकनेक्ट करने की कोशिश करो। डेल ऑपरेटर, ठीक है, डेल ऑपरेटर। और डेल ऑपरेटर जो है हम इसको बोलते हैं कि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की स्टडी के लिए, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये एक पहली बात तो ऑपरेटर है, ऑपरेटर। अब इस ऑपरेटर को चूंकि हमने तीन कोऑर्डिनेट सिस्टम्स पढ़े हैं, तीन कोऑर्डिनेट्स यानी कार्टेशियन या रेक्टेंगुलर, जो भी आप बोलो, ठीक है बेटा आप लोग म्यूट कर दो प्लीज, है ना। दूसरा है सिलेंड्रिकल और तीसरा है आपका स्फेरिकल। ये तीनों कोऑर्डिनेट सिस्टम्स आप लोग पढ़ चुके हो, ठीक है। तो इन तीनों ही कोऑर्डिनेट सिस्टम्स के अंदर डेल ऑपरेटर की वैल्यू अलग अलग होती है, मतलब डेल ऑपरेटर का फॉर्मूला अलग अलग है, एक्सप्रेशन अलग अलग है। मैं फॉर द सिंपलिसिटी आपको बता देता हूं कि डेल ऑपरेटर का कार्टेशियन के अंदर फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है। दैट इज बेसिकली, मैं वैसे तीनों बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। डेल बाई डेल एक्स ए एक्स कैप प्लस डेल बाई डेल वाई ए वाई कैप प्लस डेल बाई डेल जेड ए जेड कैप, ठीक है। अब मैं इसको एक वेक्टर या स्केलर नहीं बोल सकता, क्यों? क्योंकि ये एक ऑपरेटर है। पहली बात तो ये कि दिस इज एन ऑपरेटर। ऑपरेटर को ना तो मैं स्केलर बोल सकता हूं ना तो मैं वेक्टर बोल सकता हूं, बट देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि ऑपरेशन करने के बाद जो रिजल्टेंट आए वो मेरा क्या आए, वो स्केलर आए या वेक्टर आए, ठीक है। तो अगर मैं इसको ऑपरेट करता हूं किसी भी स्केलर या वेक्टर के साथ तो मेरे रिजल्ट्स चेंज हो सकते हैं। हो सकता है रिजल्ट मेरा स्केलर आए, हो सकता है रिजल्ट मेरा वेक्टर आए। तो उसके बेसिस पे वी विल कंक्लूड कि बेसिकली मेरे उस ऑपरेशन का रिजल्ट क्या आया। तो ऑपरेटर को हम लोग कभी भी नहीं बोलेंगे कि ये वेक्टर है या स्केलर है, ऑल्दो आपको दिख रहा होगा कि दिस इज ए एक्स कैप ए वाई कैप एंड ए जेड कैप, बट डेल बाई डेल एक्स डेल बाई डेल वाई डेल बाई डेल जेड पार्शियल डेरिवेटिव किसका, मुझे पता ही नहीं किसका, ठीक है। तो इसीलिए हम इसको एक वेक्टर नहीं बोलेंगे, ठीक। अब अगर मैं इसको पहले इसके फॉर्मूले देख लेते हैं, है ना। तो डेल बाई डेल रो ए रो कैप प्लस वन बाई रो डेल बाई डेल फाई ए फाई कैप प्लस डेल बाई डेल जेड ए जेड कैप, ये जो फॉर्मूला है ये आपका हो जाएगा एक्सप्रेशन टू बोल देंगे इसको, ये हो जाएगा मेरा सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर, ठीक है बच्चों। और जो तीसरा है वो है मेरा स्फेरिकल के लिए, और स्फेरिकल के लिए हम बोल सकते हैं कि दैट डेल विल बी इक्वल्स टू डेल बाई डेल आर ए आर कैप प्लस वन बाई आर डेल बाई डेल थीटा ए थीटा कैप प्लस वन बाई आर साइन थीटा डेल बाई डेल फाई ए फाई कैप, ठीक है। इनको याद करने का बहुत सिंपल सा तरीका है कि देखो कार्टेशियन के अंदर, बच्चों आवाज आ रही है ना आप लोगों को? यस सर। कार्टेशियन के अंदर ए एक्स ए वाई और ए जेड तीन यूनिट वेक्टर्स होते हैं। सिलिंड्रिकल के अंदर ए रो ए फाई और ए जेड तीन यूनिट वेक्टर्स होते हैं, है ना। और स्फेरिकल के अंदर ए आर ए थीटा और ए फाई तीन अलग अलग यूनिट वेक्टर्स होते हैं, ठीक है। तो ये तीनों वेक्टर्स तो आएंगे ही क्योंकि ये एक वेक्टर ऑपरेटर है, लेकिन साथ में चूंकि मैं x के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन कर रहा हूं,
वाई के रेस्पेक्ट में और जेड के रेस्पेक्ट में, तो ये क्या हो गया, कार्टिजियन के अंदर हो गया। अगर मैं पार्शियल डेरिवेशन करता विद रिस्पेक्ट टू रो, विद रिस्पेक्ट टू फाई और विद रिस्पेक्ट टू जेड, तो ये क्या हो जाता, ये एक स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में हो जाता, सॉरी सिलिंड्रिकल में हो जाता। और डेल बाई डेल आर, डेल बाई डेल थीटा और डेल बाई डेल फाई, ये क्या हो जाएगा, ये स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर हो जाएगा। अब आप ध्यान से देखो कि मैंने डेल बाई डेल एक्स लिखा है, डेल बाई डेल वाई, डेल बाई डेल जेड लिखा है, लेकिन यहाँ पर डेल बाई डेल रो लिखा है, यहाँ पर वन बाई रो एक्स्ट्रा लिख दिया है फाई के अंदर, है ना। सिमिलरली थीटा वाले में वन बाई आर एक्स्ट्रा है और फाई वाले में वन बाई आर साइन थीटा एक्स्ट्रा है, ठीक है। तो जब इनको डेराइव करते हैं हम, डेल ऑपरेटर का डेरिवेशन काफी लंबा है, ठीक है, उसकी जरूरत नहीं हमें करने की, करना चाहो मैथमेटिक्स अगर किसी को अच्छी लगती है करना तो वो कर सकता है, मुझसे पूछ लेना कि कैसे करेंगे, ठीक है। दैट कैन बी डेराइव। और इसको याद करने का बहुत आसान सा तरीका है कि अगर मैं डिफरेंशियल लेंथ देखूं तो मेरे पास दो टाइप की डिफरेंशियल लेंथ है, एक तो है लीनियर और एक है कर्व लीनियर, है ना। लीनियर मतलब जैसे डी एक्स डी वाई डी जेड या डी रो या डी आर, ये सारी लीनियर है, मतलब इसमें एंगल नहीं आ रहा कोई भी, कर्व नहीं आ रहा। और जिसमें कर्व आ रहा है वो कौन कौन सी है, वो है डी फाई और डी थीटा, है ना। एक होती है आर डी थीटा, एक होती है आर साइन थीटा डी फाई, ठीक है। तो आप ध्यान से देखो मेरे पास केवल दो एंगल्स हैं, एक फाई और एक थीटा। तो जहां जहां फाई आ रहा है वहां वहां मैंने आर साइन थीटा लगा दिया, डिवाइड कर दिया उसको, ठीक है। जहां जहां थीटा आ रहा है वहां वहां मैंने आर से डिवाइड कर दिया, आर मतलब ये जो चीज है, ये वाली जो इसके साथ एक्स्ट्रा है डिफरेंशियल लेंथ, ठीक है ये। और देखो अगर आप क्या कहते हैं फाई की बात करते हो सिलिंड्रिकल के लिए, तो वहां पर होता है रो डी फाई, है ना। तो अगर मैं सिलिंड्रिकल के लिए फाई की बात करता हूं तो वहां पर कितना है रो डी फाई, यहां पर रो एक्स्ट्रा है तो मैंने रो से डिवाइड कर दिया, ध्यान से देख लेना, ठीक है। तो ये तीनों आपको डिवाइड कर देने, बाकी सब जगह जो लीनियर डिस्टेंसेज है वो एज इट इज आ जाएंगी, ये और ये, ठीक है। केवल तीन जगह चेंज होना है, एक ये वाली जगह चेंज होना है, यहाँ पर फाई है और चूंकि ये सिलिंड्रिकल में है, सिलिंड्रिकल में आर कुछ नहीं होता, वहां पर वन बाई रो आ जाएगा। और ये भी एक क्या है, ये भी एंगुलर या कर्वलीनियर डिस्टेंस है, है ना। और कर्वलीनियर डिस्टेंस के लिए हम क्या बोलेंगे, यहाँ पर जो वो आएगा डिवाइड करेंगे हम, वो उसके आर्क से रेडियस से डिवाइड कर देंगे, रेडियस कितनी है आर साइन थीटा और आर, तो वहां पर आर और आर साइन थीटा से मैंने डिवाइड कर दिया, ठीक है बच्चों, क्लियर है या नहीं। अब हम ऑपरेशन की बात करते हैं, ऑपरेशंस की बात करते हैं, तो उस ऑपरेशंस में मुझे समझना बहुत जरूरी है कि मैं कैसे ऑपरेशन कर रहा हूं, ऑपरेशन विद स्केलर्स, ऑपरेशन विद वेक्टर, ऑपरेशन विद स्केलर और दूसरा है ऑपरेशन विद वेक्टर, ठीक है। तो जब मैं स्केलर के साथ ऑपरेशन करता हूं डेल ए, ठीक है, तो यहां पर मैं कुछ भी डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट मल्टीप्लाई कुछ नहीं लगाता, यहां पर सीधे सीधे क्या है डेल डेल ए, ठीक है। और ये जो आउटपुट आता है ये एक वेक्टर आउटपुट आता है। बच्चों आपको आवाज आ रही है ना, यस सर। और जब मैं वेक्टर के साथ ऑपरेट करता हूं तो मैं दो टाइप के ऑपरेशन कर सकता हूं, एक डॉट प्रोडक्ट और एक क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है। ये है मेरा डॉट प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट में जो आउटपुट आता है वो क्या आता है, वो आता है स्केलर, आउटपुट वेक्टर नहीं आएगा, ठीक है। और ये है क्रॉस प्रोडक्ट और यहां पर जो आउटपुट आएगा वो क्या आएगा, ये आउटपुट विल बी, जल्दी से बताओ क्या आएगा, आउटपुट विल बी वेक्टर, क्यों, क्योंकि यहां पर मैं क्रॉस प्रोडक्ट कर रहा हूं वेक्टर का, ठीक है। अब आप इस यहां पर एक छोटी सी चीज अगर कंफ्यूजन ना हो तो मैं चेंज कर देता हूं, क्योंकि हो सकता है शायद कंफ्यूजन हो, ठीक है। मैंने यहां पर वेक्टर ए ना लेने की बजाय मैंने यहां पर ग्रेडियंट जो क्या कहते हैं ये लिया है स्केलर के साथ, तो स्केलर के साथ ये जो है ना ये v, दैट v इज बेसिकली ये v मेरा स्केलर है, ये v मेरा स्केलर है। ऐसे ही ये a, ये वाला a, ये मेरा क्या है, ये मेरा वेक्टर था,
ठीक है, तो ये ऑपरेशन होगा। इस ऑपरेशन को, इस ऑपरेशन को डेल वी को बोलते हैं ग्रेडियंट, ग्रेडियंट ऑफ वी, ग्रेडियंट ऑफ स्केलर वी। ग्रेडियंट हमेशा हम स्केलर का निकालेंगे। आपने पढ़ रखा होगा 11th 12th क्लास में और बीटेक फर्स्ट ईयर में मैथमेटिक्स में जब आपने ये पढ़ा होगा, है ना, तो ये आपने पढ़ा रखा होगा। मैं हल्का सा ओवरव्यू देता हूं बेसिकली कि ये है क्या, ठीक है। दूसरा, इसको बोलते हैं डेल डॉट, मतलब डॉट प्रोडक्ट, है ना। तो ये बोला जाता है डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर ए, डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर ए, डेल डॉट यानी डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर ए। और जो ये है ना डेल क्रॉस ए, इसको बोलते हैं कर्ल ऑफ वेक्टर ए, कर्ल ऑफ वेक्टर ए। अब ये तीनों ही चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी के कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से समझने के लिए, क्योंकि रिपीटेटिवली वी विल यूज, कि मैं कभी यूज कर रहा हूं ग्रेडियंट को, कभी मैं यूज करूंगा डाइवर्जेंस को, और कभी मैं यूज करूंगा कर्ल को। तो मुझे पता होना चाहिए बेसिकली कि इनके फिजिकल सिग्निफिकेंसेस क्या क्या हैं, ठीक है। तो अगर मैं एप्लीकेशंस देखूं इनके, फिजिकल सिग्निफिकेंसेस देखूं इनके एप्लीकेशंस, तो इनके एप्लीकेशंस क्या क्या होंगे, है ना। ग्रेडियंट मुझे क्या बताता है, डेल डॉट ए मुझे क्या बताता है, और डेल क्रॉस ए मुझे क्या बताता है, ये आप मुझे बताओगे कल के लेक्चर में कि इन तीनों के फिजिकल सिग्निफिकेंसेस क्या क्या हैं, ठीक है। क्वेश्चन नोट कर लेना, यू नीड टू टेल मी द फिजिकल सिग्निफिकेंसेस ऑफ दीज थ्री ऑपरेशंस ऑन द ऑपरेटर डेल ऑपरेटर। तो इनके फिजिकल सिग्निफिकेंस, फिजिकल सिग्निफिकेंस, फिजिकल सिग्निफिकेंसेस आपको मुझे बताने हैं, ये आपको मुझे बताने हैं डेल वी, डेल डॉट ए, डेल क्रॉस ए, ठीक है। तो ये मुझे आप लोग कल बताओगे, कल के लेक्चर में, लेक्चर से जस्ट पहले, कि बेसिकली फिजिकल सिग्निफिकेंसेस क्या क्या हैं, इस ऑपरेशन को अगर मैं यूज करूंगा तो वो बेसिकली करेगा क्या, ठीक है। तो मैं समझता हूँ शायद आप लोग आराम से बता दोगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। थोड़ा पढ़ना पड़ेगा, अभी टाइम है आपके पास, आप आराम से बुक खोल करके पढ़ सकते हो, बुक मैं आपको शेयर कर दूंगा, ठीक है। थोड़ा ढूंढना पड़ेगा कि बुक में कहां मिलेगा। अब शुरू करते हैं ग्रेडियंट, ग्रेडियंट ऑफ अ स्केलर, ग्रेडियंट ऑफ अ स्केलर मतलब ग्रेडियंट क्या बताता है। हाँ बेटा 35 पेज पे है, 35 पेज पे क्या चीज है, बुक ले ली क्या आपने, बुक ले ली आपने, बुक ले ली कॉलेज से, ले ली, बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं ली है तो कोई दिक्कत नहीं, मैं आप लोगों को एक उसकी पीडीएफ कॉपी शेयर कर दूंगा, आप वहां पर चेक कर सकते हो, ठीक है। सर एक दो ने नहीं ली, बाकी सब ने ली, कोई नहीं, तो जिसने नहीं ली है वो, उसके लिए मैं पीडीएफ शेयर कर दूंगा, कोई बड़ा इशू नहीं है, ठीक है। ग्रेडियंट ऑफ अ स्केलर ये क्या चीज है, ये एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर है, क्योंकि ये बताता है रेट ऑफ चेंज ऑफ इंक्रीमेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर क्वांटिटी विद इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन। रेट ऑफ इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट, रेट ऑफ चेंज है ना, रेट ऑफ इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट, है ना, या बोल दो रेट ऑफ चेंज, इन दोनों की जगह पे आप क्या बोल सकते हो, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्केलर क्वांटिटी, जिस भी क्वांटिटी का आप क्या निकालना चाह रहे हो, जिस भी क्वांटिटी का आप ग्रेडियंट निकालना चाह रहे हो, वो क्वांटिटी जो स्केलर क्वांटिटी है, वो स्केलर क्वांटिटी ये, ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्केलर क्वांटिटी। और ये ऐसे नहीं है, ये मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी है, द मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज ऑफ, मैक्सिमम रेट ऑफ इंक्रीमेंट या मैक्सिमम रेट ऑफ डिक्रीमेंट, या सिंपल मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज ऑफ अ पर्टिकुलर स्केलर क्वांटिटी। ये मुझे एक पैरामीटर बताता है कि किस डायरेक्शन में वो चीज मैक्सिमम चेंज हो रही है, या तो इंक्रीमेंट हो रही होगी या डिक्रीमेंट हो रही होगी, ये मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज मुझे बता रहा है, ठीक है। तो अगर मैं देखूं ध्यान से, तो ये बेसिकली क्या है, मैक्सिमम रेट, यानी मुझे ये पता होना चाहिए कि वो चेंज कितना है उस क्वांटिटी में, है ना। तो चेंज के लिए हम क्या बोलते हैं, द चेंज इज, सपोज वी एक क्वांटिटी है तो उसके अंदर इंक्रीमेंटल चेंज है डी वी, ठीक है। अब मैं अगर कार्टिजन कोऑर्डिनेट की बात करूं, तो आप लोगों ने ये पढ़ रखा होगा कि दैट
that v dv, the partial the change, the increment in a particular scalar quantity is can be calculated as del v by del x into dx, partial derivative of v with respect to x direction mein kitna change ho raha hai, plus wohi quantity y direction mein kitna change ho raha hai, plus wohi quantity meri z direction में कितनी चेंज हो रही है, और अगर मैं इन तीनों को सम अप कर देता हूं तो ये मुझे ओवरऑल चेंज उस पर्टिकुलर क्वांटिटी का बता देगा। ठीक है, देयर मे बी अ पॉसिबिलिटी कि वो क्वांटिटी x में भी चेंज हो रही हो, y में भी चेंज हो रही हो और z में भी चेंज हो रही हो। ये मेरा z है, दिस इज x, दिस इज y। ठीक है, तो हो सकता है शायद वो क्वांटिटी x में किसी और पर्टिकुलर एक्सप्रेशन के साथ चेंज हो रही हो, वाई में किसी और के साथ, जेड में किसी और के साथ। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर मैंने सपोज इस जगह पे यहाँ पर मैंने एक बल्ब रखा हुआ है, लाइट बल्ब। ठीक है, और लाइट बल्ब से मैं ये चेक कर रहा हूँ एक्स वाई प्लेन में लाइट बल्ब है, सेंटर पर नहीं है, थोड़ा सा हटके है। ठीक है, तो मैं क्या ये बोल सकता हूँ कि उस लाइट बल्ब से जो हीट निकल रही होगी उस हीट का चेंज किस डायरेक्शन में सबसे ज्यादा हो रहा है? तो जैसे जैसे मैं z एक्सिस से, y एक्सिस से, x एक्सिस से इस पॉइंट की, इस बल्ब की तरफ आऊंगा, है ना, वैसे वैसे मुझे टेम्परेचर उसका ज्यादा दिखेगा ऑटोमेटिकली, है ना, क्योंकि यहां पर भाई हीट का सोर्स, लाइट का सोर्स यहीं पे है, तो ऑटोमेटिकली टेम्परेचर यहां पर ज्यादा होगा, हाई टेम्परेचर होगा। और जैसे जैसे मैं दूर ज्यादा जाऊंगा, ठीक है, वैसे वैसे मेरा टेम्परेचर भी, वैसे वैसे मेरा टेम्परेचर भी क्या होता जाएगा, टेम्परेचर भी कम होता जाएगा। जितना जितना मैं ज्यादा जाऊंगा उतना मेरा टेम्परेचर भी कम होता जाएगा, अलग अलग प्रोफाइल के हिसाब से चेंज हो सकता है इसका। ठीक, तो अगर किस डायरेक्शन में उसका टेम्परेचर सबसे ज्यादा चेंज हो रहा है वो मुझे निकालना हो, ठीक है, तो उसके लिए हम क्या बोलेंगे कि उसका एक्स डायरेक्शन में कितना चेंज है, वाई डायरेक्शन में कितना चेंज है, जेड डायरेक्शन में कितना चेंज है, और फिर उन तीनों का सम कर देंगे। तो ये क्या आ जाएगा, वो चेंज आ जाएगा, इंक्रीमेंटल चेंज इन द क्वांटिटी, इन द स्केलर क्वांटिटी, कि x, y और z तीनों में मिलाकर के इंक्रीमेंटल चेंज कितना हो रहा है। और अगर इस एक्सप्रेशन को मैं एक वेक्टर के मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में देखूं, डॉट प्रोडक्ट की फॉर्म में देखूं, तो आप देख सकते हो, ध्यान से समझ सकते हो कि अगर मैं इसको बोलूं कि ये मेरा है डेल v बाई डेल x ए x कैप प्लस डेल v बाई डेल y ए वाई कैप प्लस डेल वी बाई डेल जेड ए जेड कैप, है ना, ये मैंने एक क्वांटिटी ले ली, और अगर मैं इसका डॉट प्रोडक्ट कर दूं किसके साथ, डिफरेंशियल लेंथ के साथ, डी एक्स ए एक्स कैप प्लस डी वाई ए वाई कैप प्लस डी जेड ए जेड कैप, तो अगर मैं इसका डिफरेंशियल लेंथ के साथ डॉट प्रोडक्ट कर दूं, डॉट प्रोडक्ट कर दूं, तो लॉजिकली क्या मिलेगा मुझे, देखो ax dot ax will be one, ay dot ay will be one, और az dot az will be one, तो मुझे क्या मिल जाएगा, मुझे यही मिल जाएगा। ठीक है, इसका मतलब अगर मैं dv को लिखना चाहूं तो dv को लिख सकता हूं इन टर्म्स ऑफ क्या, इन टर्म्स ऑफ अ पर्टिकुलर क्वांटिटी। फॉर एग्जाम्पल मैंने इसको बोल दिया कि ये मेरा एक वेक्टर है, सपोज g, ठीक है, और ये मेरा वेक्टर है, ये मेरा वेक्टर है लाइन, डिफरेंशियल लाइन डी एल, तो डी वी मेरा क्या हो जाएगा, डी वी हो जाएगा मेरा जी डॉट डी एल, जी डॉट डी एल। ठीक है, ये आया मेरा डी वी। ठीक है, अगर मैं इनको, इन दोनों वेक्टर को सिंपल स्केलर क्वांटिटी में कन्वर्ट करना चाहूं तो जी डॉट डी एल मुझे पता है स्केलर आएगा, तो यह आ जाएगा मॉड जी, यह आ जाएगा मॉड डी एल, है ना, और फिर उन दोनों के बीच का एंगल कितना है, फॉर एग्जाम्पल एंगल है थीटा, तो dv मेरा कितना हो जाएगा, dv हो जाएगा मेरा मॉड g मॉड dl cos थीटा। अब मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है इस v का चेंज डायरेक्शन के हिसाब से, मैक्सिमम रेट ऑफ इंक्रीमेंट ऑफ v, मैक्सिमम रेट ऑफ इंक्रीमेंट या मैक्सिमम रेट ऑफ डिक्रीमेंट ऑफ अ पर्टिकुलर स्केलर क्वांटिटी। इसका मतलब मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है dv बाई dl की मैक्सिमम वैल्यू। dv by dl कितना होगा, अगर मैं dl को इधर ले जाऊं तो ये हो जाएगा g cos theta, mod g cos theta। ठीक है, और अगर मुझसे कोई कहे कि आपको निकालना है
डी वी बाई डी एल की मैक्सिमम वैल्यू, तो वो कितनी हो जाएगी, मैक्सिमम वैल्यू जब कॉस थीटा वन हो, कॉस थीटा वन हो मतलब थीटा जीरो हो, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा जी, जी वेक्टर का मॉड, है ना, और यही मेरा क्या है, यही मेरा है डेल वी, ग्रेडियंट ऑफ वी, ठीक है, यानी अगर मैं इस जी को देखूं तो इस जी का मॉड मेरा क्या हो जाएगा, डेल वी, ठीक है, मतलब ये डेल वी तो डायरेक्शन में देगा, मॉड जी मतलब मुझे उसका मैग्नीट्यूड मिल जाएगा, सो दैट इज सिंपली बेसिकली व्हाट द मॉड जी विल बी इक्वल टू डेल वी, ग्रेडियंट ऑफ वी, इसको बोलेंगे हम ग्रेडियंट ऑफ वी, तो यहां पर हम लिख सकते हैं मॉड डेल वी यानी ग्रेडियंट ऑफ वी एंड दैट विल बी इक्वल टू व्हाट, अगर हम पिछली दोनों इक्वेशन को कंपेयर करें तो डेल वी मेरा कितना आ जाएगा, डेल वी मेरा आ जाएगा डेल वी बाई डेल एक्स ए एक्स कैप प्लस डेल वी बाई डेल वाई ए वाई कैप प्लस डेल वी ओवर डेल जेड ए जेड कैप। तो आप ध्यान से देखो ये जो एक्सप्रेशन है ना डेल वी का, इस एक्सप्रेशन को ग्रेडियंट को हम अगर डेफिनेशन वाइज जाएं तो ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है डेल वी बाई डेल एक्स मतलब एक्स डायरेक्शन में रेट ऑफ चेंज कितना है v का, वाई डायरेक्शन में रेट ऑफ चेंज कितना है v का, और z डायरेक्शन में भी रेट ऑफ चेंज कितना है v का, डायरेक्शन कैसे पता लग रही है, डायरेक्शन पता लग रही है ax ay कैप और az कैप से, है ना, तो इस डायरेक्शन में उस पर्टिकुलर क्वांटिटी का रेट ऑफ चेंज कितना है, ये क्या बताता है, ये बताता है ग्रेडियंट, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, और चूंकि एक वेक्टर क्वांटिटी है मुझे ये दोनों चीजें बताती है, क्या बताती है, ये मुझे मैग्नीट्यूड भी बताएगी कि कितना चेंज हो रहा है वो क्वांटिटी, प्लस ये मुझे डायरेक्शन भी बताएगी कि किस डायरेक्शन में वो क्वांटिटी कितनी चेंज हो रही है, दैट इज द ग्रेडियंट। जल्दी से बताओ मुझे ये क्लियर हुआ या नहीं, भूमिका, शीतल, यस सर, विनय सर, आरएन, यस सर, वो जो डी, हाँ बेटा, सर डीवी अपॉन डीएल इज इक्वल टू मॉड ऑफ डी कॉस थीटा, तो वो मिनिमम होगा या सर, वो चीज समझ में नहीं आई, मैक्सिमम मैक्सिमम सर डी मैक्सिमम होगा सर, सर जो आपने लास्ट लाइन लिखी है सर, जो पिछले वाले पेज में है सर, ये मॉड ऑफ जी कॉस थीटा सर, इसके बाद का समझ में नहीं आया, जो आपने मैक्सिमम जो लिया था कॉस को, दोबारा बता रहा हूँ, कॉस थीटा की वैल्यू मैक्सिमम कितनी होती है बताओ सर, जीरो पे होगी, वन होगी ना, मैक्सिमम वैल्यू तो वन होगी, हाँ सर मैक्सिमम वैल्यू वन होगी, है ना, मैंने पिछले डी वी बाई डी एल की मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, तो मुझे बताओ ये कितना था, ये था मॉड जी कॉस थीटा था, ठीक है, यानी अगर भाई इसकी तो मैक्सिमम वैल्यू फिक्स ही रहेगी, अगर इसको मैक्सिमम करना है मतलब मुझे इसकी मैक्सिमम वैल्यू देखनी पड़ेगी, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, वन, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी, अगर मैं इसको रख दू वन, है ना, ये कितना आ जाएगा, मॉड जी आ जाएगा, तो अगर मुझे उसकी मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज देखना हो, केवल मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं मैं, है ना, तो वो कैसे मिल जाएगा मुझे, वो मिल जाएगा मॉड जी से, मॉड, और मॉड जी क्या था, जी था मेरा ये, अगर ये मैंने बोला था ना ये This is my G. तो इसका मैग्नीट्यूड मतलब इसका मॉड, है ना, तो अगर मैं इसका, अगर मुझे खाली इसको वेक्टर की फॉर्म में लिखना है, तो ये अगर वेक्टर है तो ऑटोमेटिकली ये क्या हो जाएगा, ये सीधा सीधा जी वेक्टर, जी वेक्टर हो जाएगा, जी वेक्टर हो जाएगा, जी जी मतलब ये वाला वेक्टर हो जाएगा, ये यही लिखा है मैंने, देखो यही लिखा है मैंने, डेल वी इक्वल्स टू जी, जी इक्वल्स टू डेल वी इक्वल्स टू दिस, ये मेरी मैक्सिमम रेट ऑफ, तो मैक्सिमम कैसे आया, मैक्सिमम इसलिए आया क्योंकि अगर मैं उस इंक्रीमेंट क्वांटिटी को देखना चाहता हूं तो वो किस डायरेक्शन में मैक्सिमम है ना, वो मैक्सिमम तभी होगी जब मेरे उस दोनों के बीच की एंगल के बीच एंगल की वैल्यू कितनी होगी, थीटा होगी। फॉर एग्जांपल मैं बोलूं आपसे, आपके पास बुक है ही, तो बुक में आप देख सकते हो, अगर मैं सपोज इस पॉइंट से इस पॉइंट पर जा रहा हूं, ठीक है, और लाइन फॉलो कर रहा हूं ये वाली, लाइन फॉलो कर रहा हूं ये वाली, ठीक है, तो वो जो सरफेस बन रही है उस सरफेस का नॉर्मल वेक्टर है मेरे पास ये वाला जी, है ना, और डीएल वेक्टर है मेरे पास ये वाला, तो जी और डीएल, ये वाला वेक्टर है डीएल, तो जी और डीएल के बीच का एंगल कितना है, थीटा है, तो अगर थीटा इक्वल टू जीरो है मतलब ये जी और डीएल एक ही डायरेक्शन में है,
अगर जी और डीएल एक ही डायरेक्शन में है, ऑटोमेटिकली वहां पर मुझे क्या मिलेगा, मैक्सिमम मिलेगा। तो सर एंगल मास जीरो होगा, एंगल मास जीरो होगा। भाई जी और डीएल मुझे एक ही डायरेक्शन में निकालने हैं, है ना, एक डायरेक्शन में होंगे तो एंगल जीरो होगा ऑटोमेटिकली। तो यहाँ पर यही तो मैं बोल रहा हूँ कि थीटा इक्वल टू जीरो पर कॉस थीटा इक्वल टू वन, और कॉस थीटा इक्वल टू वन मतलब डीवी बाई डीएल के मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ गई, मॉड जी आ गई, खत्म कहानी। क्लियर हुआ या नहीं? क्लियर हो गया ना, आसान है, बोलो। हाँ सर हो गया, आसान है ना, ठीक। अब मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ और आपको मुझे बताना है कि डेल्टा वी की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, ठीक है। वी इज इक्वल टू फॉर एग्जाम्पल एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई जेड, ठीक है। आपको बताना है डेल वी बाई डेल एक्स ए एक्स कैप प्लस डेल वी बाय डेल वाई ए वाई कैप प्लस डेल वी बाई डेल जेड ए जेड कैप। ये वैल्यू मुझे बतानी है, और ये है क्या, ये बेसिकली है डेल्टा वी, ग्रेडियंट है ये, ग्रेडियंट है ये मुझे आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे, डेल बाई डेल एक्स एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई जेड ए एक्स कैप प्लस डेल बाई डेल वाई एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई जेड, है ना, ए वाई कैप प्लस डेल बाई डेल जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई जेड ए जेड कैप, ये आ जाएगा। अब मैं इसको डिफ्रेंशिएट कर दूं विद रिस्पेक्ट टू एक्स पार्शियली, तो यहां क्या आएगा, टू एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई जेड, यही आएगा ना, ए एक्स कैप प्लस, अगर मैं वाई के रिस्पेक्ट में करता हूं तो हो जाएगा टू एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स जेड ए वाई कैप प्लस ये हो जाएगा जीरो प्लस एक्स वाई, तो ये हो जाएगा एक्स वाई ए जेड कैप, खत्म कहानी, ये मेरा आंसर आ गया, ठीक है। अगर मुझसे कहा जाए कि ग्रेडियंट आपको बताना है एक्स इक्वल टू टू वाई इक्वल टू थ्री जेड इक्वल टू फाइव पे, तो आप ये वाली वैल्यू यहाँ रख दोगे और ये वाली वैल्यू इस एक्सप्रेशन के अंदर रख दोगे तो आपको उस पर्टिकुलर पॉइंट पी पर निकल जाएगा। तो द ग्रेडियंट डेल वी एट पी कितना होगा, दैट विल बी इक्वल टू एक्स की वैल्यू टू, टू इंटू टू फोर, फोर इंटू नाइन थर्टी सिक्स, थर्टी सिक्स प्लस तीन बजे पंद्रह, थर्टी सिक्स प्लस पंद्रह, थर्टी सिक्स प्लस पंद्रह इक्यावन, फिफ्टी वन ए एक्स कैप, ठीक है, प्लस दो दुनी चार दुनी आठ, आठ दिया चौबीस, चौबीस प्लस पंद्रह, चौबीस प्लस पंद्रह, चौबीस दस चौंतीस पाँच थर्टी नाइन, थर्टी नाइन ए वाई कैप, ठीक है, प्लस एक्स वाई, एक्स वाई इज सिक्स ए जेड कैप। तो एक पर्टिकुलर पॉइंट पर अगर मुझे निकालना हो तो वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा ये पॉइंट, अगर गिवन है, पॉइंट अगर गिवन है आपको, पॉइंट पी गिवन है, पॉइंट पी, ये पॉइंट पी गिवन है, ठीक है, आपको पॉइंट गिवन है, उस पॉइंट की वैल्यू इस एक्सप्रेशन के अंदर रख दो तो ऑटोमेटिकली आपका क्या आ जाएगा, उस पर्टिकुलर पॉइंट पर क्या आ जाएगा, आपका ग्रेडियंट आ जाएगा। मतलब इस डायरेक्शन में आपको मैक्सिमम रेट ऑफ इंक्रीमेंट ऑफ ये पर्टिकुलर क्वांटिटी इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही इंक्रीमेंट हो रही है। क्लियर है या नहीं, जल्दी से बताओ, फिर हम आगे चलते हैं। यस सर, यस सर, यस सर, क्लियर है, गुड, ठीक है। अब इसके एक्सप्रेशन है, ये आप क्या कहते हैं बुक से नोट कर लेना, है ना, या फिर मैं आपको इनका स्नैपशॉट्स भेज दूंगा पीपीटी के फॉर्म में, ठीक है, आप उसको नोट कर लेना, क्योंकि ये जरूरी नहीं है कि एक्स वाई जेड में आए, हो सकता है ये रो फाई जेड यानी सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में आए कैलकुलेट करने के लिए, हो सकता है स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए आए, तो ये आपको पता होना चाहिए बेसिकली कि मुझे किस डायरेक्शन में क्या कह सकते हैं एक तरीके से ये लेकर के आना है, ठीक है बच्चों, क्लियर है या नहीं, किस पर्टिकुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर मुझे ये डिराइव करना है ये पता होना चाहिए, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, और नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डाइवर्जेंस, डाइवर्जेंस ऑफ अ वेक्टर, है ना, डेल ऑपरेटर, दूसरा वाला ऑपरेशन, डेल ऑपरेटर ऑपरेटेड विद अ वेक्टर, और कैसे ऑपरेट कर रहे हैं, वो कर रहे हैं डॉट प्रोडक्ट, तो डॉट प्रोडक्ट के साथ अगर मैं ऑपरेट कर रहा हूं तो उस केस में क्या होगा, उस केस में वी कैन सिंपली से कि मेरे पास जो भी क्या कह सकते हैं वेक्टर है, उस वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट मुझे निकालना है किसके साथ, डेल्टा ऑपरेटर के साथ, तो ये मेरा डाइवर्जेंस बनता है, और डाइवर्जेंस को मैथमेटिकली लिखते हैं डाइवर्जेंस
को लिखते हैं हम डेल डॉट ए से, और लॉजिकली ये होता क्या है, दिस इज बेसिकली क्लोज लाइन इंटीग्रल ऑफ ए डॉट डी एल, उस वेक्टर का एक लाइन के अलोंग, क्लोज लाइन के अलोंग इंटीग्रेशन पर यूनिट सरफेस एरिया, पर यूनिट सरफेस एरिया, सॉरी पर यूनिट, सॉरी डेल सरफेस एरिया के अलोंग, लाइन के अलोंग नहीं सरफेस एरिया के अलोंग, एंड दिस विल बी वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। और तब जब मेरा वॉल्यूम हो जीरो की तरफ, ठीक है। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ द डाइवर्जेंस। मैं दोबारा लिख देता हूं, डेल डॉट ए जो है मेरा वो क्या है, वो मेरा क्लोज्ड सरफेस इंटीग्रेशन है, सरफेस इंटीग्रेशन है, ठीक है, ए डॉट डी एस पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम व्हेन द वॉल्यूम इज श्रिंकिंग towards a particular point, to a particular point. So this is the mathematical definition of a divergence of a vector. ठीक है, अब ये closed surface integration होता क्या है, इसको समझना बहुत जरूरी है। मैंने आपको तीनों coordinate systems के अंदर differential volume बनाना बताया था, मैं cartesian वाला बता देता हूँ क्योंकि cartesian वाला बनाने में थोड़ा सा आसान है और समझने भी आसान है क्योंकि आप उसको visualize कर सकते हो। Suppose ये जो आप room में बैठे हो, उस रूम के अलोंग एक वॉल्यूम जो बन रहा है, वो वॉल्यूम आपका क्या है, वो डिफरेंशियल वॉल्यूम है। आप इसको अज्यूम करते चलो, ठीक है, ये अज्यूम करते चलो, और ये मैंने बनाने की कोशिश करी है इस फॉर्म में, ये आप देख सकते हो इस इमेज में, है ना। ये मेरा एक्स एक्सिस थी, इधर मेरी वाई एक्सिस थी, और ऊपर की तरफ मेरी जेड एक्सिस थी, ठीक है। तो ये आपका एक वॉल्यूम बना, है ना। अगर मैं इधर साइड की डिफरेंशियल लेंथ दूंगा तो वाई वाली डिफरेंशियल लेंथ होगी डी वाई, अगर मैं x वाली साइड की डिफरेंशियल लेंथ दूंगा ये होगी मेरी डी एक्स, और अगर मैं z साइड की डिफरेंशियल लेंथ दूंगा ये होगा मेरा डी जेड। अब आप मुझे ध्यान से बताओ, अगर ये वाला पॉइंट है a, ये पॉइंट है b, ये पॉइंट है c, और ये पॉइंट है d। सिमिलरली नीचे वाला पॉइंट है o, ये पॉइंट है e, ये वाला पॉइंट है f, और ये वाला पॉइंट है g। तो मेरे पास टोटल छह सरफेसेस होंगी, होंगी या नहीं, टोटल सिक्स सरफेस। मैंने आपको बताया भी था टोटल सिक्स सरफेस मतलब टोटल तीन डिफरेंशियल सरफेस एरिया, और दो डिफरेंशियल सरफेस एरिया के वेक्टर जो है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में होंगे, इसीलिए वेक्टर सरफेस होंगी टोटल छह, ठीक है। अब आप ध्यान से देखो, अगर मैं इस वाली सर्फेस की बात करता हूं तो इसके लिए वैक्टर होगा इधर की तरफ, और अगर मैं पीछे वाले सर्फेस की बात करता हूं तो उसके लिए वैक्टर होगा उधर की तरफ, है ना। सिमिलरली अगर मैं इस वाली सरफेस की बात करता हूँ, राइट साइड वाली सरफेस की, इसका वेक्टर होगा इधर, और अगर मैं पीछे वाली सरफेस की बात करता हूँ ये, है ना, तो उसका वेक्टर होगा पीछे की तरफ। ऐसे ही टॉप वाले की बात करता हूँ मैं, टॉप वाले की बात करता हूँ मैं इस वाले की, तो उसका वेक्टर होगा ये, और अगर मैं बॉटम वाले की बात करता हूँ, है ना, तो ये होगा नीचे की तरफ। टोटल छह सरफेस एरिया होंगे, और अगर मैं इन सारे सरफेस एरिया को जोड़ देता हूँ ना, तो ये मेरा क्या हो जाता है, क्लोज्ड सरफेस एरिया, यानी ये एक वॉल्यूम बना रहा होता है, ठीक है। तो जब भी मैं क्लोज सरफेस एरिया की बात करता हूँ, ये जो साइन है ना, इंटीग्रेशन के ऊपर एक गोला लगा दो, कंटूर इंटीग्रेशन बोलते हैं इसको, क्लोज, अगर मैं नीचे लिखता हूँ एस, इसका मतलब ये क्लोज कंटूर इंटीग्रेशन है ओवर द सर्फेस, दैट मीन्स क्लोज सर्फेस एरिया है, ठीक है। तो डॉट प्रोडक्ट भी हो रहा होगा सर्फेस एरिया के साथ, ए डॉट डी एस हो रहा होगा, ठीक है। अगर ये लाइन के अलोंग होता तो क्लोज लाइन इंटीग्रल होता, अगेन ये कंटूर ही आता, लेकिन यहां पर मैं एस की जगह क्या लिखता, एल लिखता, यहां पर मैं सरफेस एरिया की जगह क्या लिख रहा था, एल लिख रहा हूं, और ये एंगल, ये वेक्टर आता ए डॉट डी एल, तो ये एक डिफरेंशियल लाइन बन जाती, डिफरेंशियल लेंथ, ठीक है। ये क्लोज लाइन इंटीग्रल, ये मेरा क्लोज सरफेस इंटीग्रल, क्लोज सरफेस इंटीग्रल, इसको बोलते हैं रे। अब अगर मैं इन सारी छह सरफेस को जोड़ता हूं तो क्या एक वॉल्यूम बनेगा, जल्दी से बताओ, बनेगा या नहीं बनेगा ना, यस सर। और अगर मैं इस वॉल्यूम को, इस वॉल्यूम को मैं ये बोलूं कि ये वॉल्यूम इतना छोटा है, इतना छोटा है कि इट कैन बी कंसिडर्ड एज अ पॉइंट पी, द वॉल्यूम इज सच दैट
दिस कैन बी कंसिडर्ड एज अ पॉइंट पी. ये वॉल्यूम, ये जो वॉल्यूम मैंने बनाया है ये इतना छोटा है कि ये इतना छोटा है कि ये एक पॉइंट की तरह, पॉइंट की तरह कंसिडर किया जाता है. ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि मेरा जो वॉल्यूम था डी एक्स डी वाई डी जेड यानी डेल्टा वी, ये इतना छोटा है कि इट इज अप्रोचिंग जीरो और पॉइंट नेग्लिजिबल हो गया, नेग्लिजिबल हो गया, नेग्लिजिबली स्मॉल हो गया, बहुत ही छोटा, बहुत ही इंक्रीमेंट पॉइंट की तरह. ठीक है, ऐसे केस में हम बोलते हैं कि अगर मैं उस पूरी सरफेस एरिया का छो सरफेस एरिया के अलोंग सरफेस इंटीग्रेशन निकाल लूं और उसको उस पर्टिकुलर सरफेस के वॉल्यूम से, उस पर्टिकुलर सरफेस के कॉम्बिनेशन से जो वॉल्यूम बनना है उस वॉल्यूम से डिवाइड कर दूं, तो जो वॉल्यूम से डिवाइड करूंगा, अगर मैं मान के चल रहा हूं कि दिस वॉल्यूम इज श्रिंकिंग टू पॉइंट पी, दैट मींस दिस इज नथिंग बट द डाइवर्जेंस. क्लियर है या नहीं, जल्दी से बताओ. ठीक है, क्लियर है ना? आई होप क्लियर होगा, क्योंकि इसमें समझने लायक ज्यादा कुछ नहीं है, है ना? बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, हमें उस वॉल्यूम को ऐसे बनाना है कि उस वॉल्यूम की जो छह सरफेस है वो सारी छह सरफेस के अलॉन्ग मुझे ए डॉट डी एस निकालना है, सरफेस इंटीग्रेशन निकालना है उस वेक्टर के साथ, ए डॉट डी एस निकालना है. उसके बाद जब मैं सारी छह सरफेस को जोड़ दूंगा, सारी सरफेस को जोड़ दूंगा, तो मुझे क्या मिलेगा? एक वॉल्यूम मिलेगा. उस वॉल्यूम को मैं अज्यूम करूंगा कि द वॉल्यूम इज वेरी वेरी स्मॉल, नेग्लिजिबली स्मॉल. और जब वॉल्यूम मेरा नेग्लिजिबली स्मॉल होगा, मतलब आई एम अज्यूमिंग दैट द वॉल्यूम इज श्रिंकिंग टू पॉइंट पी, द वॉल्यूम इज श्रिंकिंग टू अ पॉइंट, द वॉल्यूम इज नेग्लिजिबली स्मॉल, द वॉल्यूम इज वेरी वेरी स्मॉल. तो जब बहुत स्मॉल होगा, उस पर्टिकुलर केस में अगर मैं उसके सरफेस एरिया को वॉल्यूम से डिवाइड कर दूं, अज्यूमिंग दैट द वॉल्यूम इज श्रिंकिंग टू पॉइंट पी, दैट मीन्स डेल्टा वी इज जीरो, दिस क्वांटिटी इज नोन एज द डाइवर्जेंस ऑफ अ वेक्टर फील्ड. क्लियर है या नहीं, सब लोग बताएंगे मुझे फटाफट से. उसके बाद में एक बहुत इंपॉर्टेंट फिनोमेना है इस चीज में यूज करते हैं हम, उसको बोलते हैं डाइवर्जेंस थ्योरम. हम फटाफट से उसकी तरफ चलते हैं. जल्दी से बताओ मुझे कि ये क्लियर है या नहीं. यस सर. यस सर. क्लियर है ना सब लोगों को? ठीक है. यस सर. अब हम चलते हैं डाइवर्जेंस थ्योरम पे. और डाइवर्जेंस थ्योरम पे चलते हैं तो हम सीधे सीधे डाइवर्जेंस थ्योरम पे चलते हैं. डाइवर्जेंस थ्योरम ये कहती है कि किसी भी सरफेस, क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन को मैं वॉल्यूम इंटीग्रेशन से सॉल्व कर सकता हूं. ठीक है, क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन को ए डॉट टी एस, क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन को मैं वॉल्यूम से सॉल्व कर सकता हूं. ठीक है, अगर मुझसे कहा जाए कि मेरे पास ये जो पिछला वाला क्यूब था, है ना, ये जो मैंने, चलो यहां बना लेते हैं दोबारा, ये जो क्यूब है, क्यूब क्यूबॉइड कुछ भी बोल दो, वॉल्यूम है सिंपल साइज. ठीक है, इस वॉल्यूम में मेरा ये डी वाई था, ये डी एक्स था, ये डी जेड था. ठीक है, इसके टोटल छह सरफेस एरिया होंगे. ठीक है, एक सरफेस एरिया होगा टॉप का, एक सरफेस एरिया होगा बॉटम का, करेस्पॉन्डिंग बॉटम. ठीक है, टॉप है तो बॉटम भी है. आप अपने रूम से कंसिडर कर सकते हो, एक आपका छत होगी और एक आपका फ्लोर होगा, एक आपकी लेफ्ट वाली वॉल होगी, एक आपकी राइट वाली वॉल होगी, है ना, एक आपकी राइट साइड में वॉल होगी, एक आपके लेफ्ट साइड में वॉल होगी, एक आपका फ्रंट वाली वॉल होगी और एक आपकी बैक वाली वॉल होगी. ठीक है, टोटल छह सरफेस बनेंगे और उन छो के करेस्पॉन्डिंग मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है ए डॉट डी एस. ठीक है, ये निकालना है ना, जल्दी से बताओ. Yes, ये तो निकालना है. ठीक है, yes, अब अगर मैं टॉप और बॉटम का देखूं, तो अगर मैं सपोज सेंटर में हूं, बिल्कुल बीच वाले पॉइंट पे हूं, बिल्कुल बीच वाले पॉइंट पे हूं, यहां पर हूं फॉर एग्जांपल, है ना, फ्रंट वाले के लिए मुझे आधा आगे चलना है, बैक वाले के लिए मुझे पीछे चलना है, है ना, तो अगर मैं एक्स नॉट पॉइंट पे हूं तो फ्रंट वाले के लिए मैं डी एक्स बाई टू एड कर दूंगा और बैक वाले के लिए मैं एक्स नॉट में से डी एक्स बाई टू घटा दूंगा. ठीक है, सिमिलरली अगर मैं y0 पॉइंट पे हूं तो लेफ्ट वाले के लिए, लेफ्ट वाले के लिए
मैं सॉरी राइट वाले के लिए मैं डी वाई बाई टू एड कर दूंगा, और राइट वाले के लिए लेफ्ट वाले के लिए मैं डी वाई बाई टू सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। देखो आप इस वाले पॉइंट पे हो, है ना, इस वाले पॉइंट पर आप बोल रहे हो कि ये मेरा वाई नॉट है, आपको यहां से लेकर के यहां तक की डिस्टेंस दे रखी है डी वाई, ये टोटल है डी वाई। इस वाले पॉइंट पर आप बोल रहे हो कि ये मेरा वाई नॉट है, तो आप इस वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या बोलोगे बताओ, इस वाले पॉइंट पर क्या होगा, इस वाले पॉइंट पर होगा वाई इक्वल्स टू वाई नॉट प्लस डी वाई बाई टू, और इस वाले पॉइंट पर क्या होगा, इस वाले पॉइंट पर वाई होगा वाई नॉट माइनस डी वाई बाई टू, होगा या नहीं जल्दी से बताओ। Yes, sir. ऐसे ही मैं तीनों कोऑर्डिनेट्स निकाल सकता हूं, जेड नॉट प्लस डी जेड बाई टू और जेड नॉट माइनस डी जेड बाई टू, क्लियर है, कोई दिक्कत, जल्दी से बताओ। Yes, कर सकते हैं ना? Yes, sir. ठीक है, अब यहां पर एक बात आती है जो कि हम थोड़ी सी मैथमेटिक्स यूज करेंगे, ए एक्स ऑफ एक्स वाई जेड, केवल एक्स कॉम्पोनेंट ले रहा हूं मैं, ठीक है, अगर मैं उसको एक्सपेंड करता हूं तो ये टेलर सीरीज एक्सपेंशन है अराउंड एक्स नॉट वाई नॉट और जेड नॉट, मतलब जो मेरा पॉइंट है पी वाला, वो ये वाला जो पॉइंट मैंने एज्यूम करा था, ये वाला पॉइंट पी, ठीक है, इसके कोऑर्डिनेट कितने हैं, एक्स नॉट वाई नॉट और जेड नॉट, तो इसके अराउंड में ax को एक्सपेंड कर रहा हूं, तो हम क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे ये कॉन्स्टेंट उस पर वैल्यू प्लस प्लस x माइनस x नॉट इंटू डेल ए एक्स बाई डेल एक्स एट पॉइंट p प्लस y माइनस y नॉट डेल ए वाई तो सब जगह x आएगा, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, ठीक है, डेल ए एक्स एट पॉइंट पी प्लस यही सेम चीज z माइनस z नॉट डेल ए एक्स अपॉन डेल z एट पॉइंट पी, ठीक है बच्चों। अब मैं इस वाले x की जगह पे, इस वाले x की जगह पे यानी ये वाला x क्या रख दूं, जल्दी बताओ क्या रख दूं, एक बार रख दूं x नॉट प्लस dx by 2, एक बार रख दूं माइनस dx by 2, ठीक है ना। अब अगर मैं x नॉट प्लस dx by 2 लेता हूं तो ये वाली कौन सी सरफेस होगी, ये होगी फ्रंट सरफेस, इसका वेक्टर कितना होगा, इसका वेक्टर होगा प्लस ay कैप। अगर मैं इस वाले की बात करता हूं तो ये वाली होगी मेरी बैक वाली सरफेस और उसका वेक्टर कितना होगा माइनस, सॉरी ये ए एक्स कैप है ना, इधर एक्स है ना, तो ये वाला क्या होगा माइनस ए एक्स कैप, ठीक है। तो जब मैं यहां पर रखूंगा एक्स की जगह क्या रखूंगा, एक्स की जगह रखूंगा एक्स नॉट प्लस एक्स डी एक्स बाई टू यानी ये रखूंगा, है ना, तो वेक्टर क्या रखूंगा मैं, तो वेक्टर रखूंगा प्लस ए एक्स कैप, मतलब ए डॉट डी एस कितना होगा ए एक्स इंटू dx dy dz, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसको रखता हूं इस वाले के लिए, इस वाले के लिए रखता हूं, है ना, तो जब इस वाले के लिए रखूंगा तो a डॉट a डॉट dz ds कितना होगा, ये होगा ax इंटू dy dz माइनस az कैप आएगा, माइनस की वजह से ये az डॉट az तो बन जाएगा लेकिन ये वाला माइनस बाहर आ जाएगा, तो एक बार आएगा माइनस ax dy dz, एक बार आएगा प्लस az dy dz, ठीक है, और बाकी सारे पैरामीटर सेम रहेंगे, ये सेम रहेगा और ये सेम रहेगा। ऐसे ही मैं ay के करस्पॉन्डिंग निकाल लूंगा, ऐसे ही मैं az के करस्पॉन्डिंग निकाल लूंगा तीनों एक्सपेंड करके, ठीक है। और जब मैं तीनों को जोड़ दूंगा, इन तीनों को जोड़ दूंगा, ठीक है, यहां पर मैं क्लियर कर देता हूं, जब मैं इन तीनों को जोड़ दूंगा, ठीक है, इन तीनों का मतलब इन सारी सरफेसेस को जोड़ दूंगा, टॉप बॉटम लेफ्ट राइट फ्रंट बैक, ये सारी सरफेस अगर मैं जोड़ दूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, मुझे मिल जाएगा क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ ए
डॉट डी एस, ये मिल जाएगा मुझे। ठीक है, अब मैं यहाँ पर एक छोटी सी चीज लगाता हूँ। छोटी सी चीज क्या लगाता हूँ कि मुझे डाइवर्जेंस थ्योरम के लिए एक डाइवर्जेंस वाला प्रूफ लगाना बहुत जरूरी है कि जब मेरा वॉल्यूम जो बन रहा है यानी डी एक्स डी वाई डी जेड, अगर ये जीरो की तरफ अप्रोच करता है यानी एक पॉइंट की तरफ, टूवर्ड्स पॉइंट, श्रिंकिंग टूवर्ड्स पॉइंट अगर ये अप्रोच करता है, तो ऐसे केस में मैं क्या बोलूंगा, ऐसे केस में आई कैन से दैट दिस डिवाइड बाई डेल्टा वी विल बिकम डेल डॉट वी, सॉरी डेल डॉट ए, डाइवर्जेंस बन जाएगा। ठीक है, जब डेल्टा वी इज अप्रोचिंग जीरो, ये वाली कंडीशन मैंने यहां पे रख दी है ना, तो डेल ए डॉट डी एस डिवाइड बाई वी डेल्टा वी, ये मेरा क्या हो जाएगा, ये मेरा डेल डॉट ए बन जाएगा। इसका मतलब आई कैन क्लियरली सी कि क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ ए डॉट डी एस विल बिकम डेल डॉट ए डी वी, और ये जो v है ये मेरा वॉल्यूम इंटीग्रेशन है। ठीक है, वॉल्यूम इंटीग्रेशन है, चाहे तो स्मॉल v बोल दो चाहे तो कैपिटल v बोल दो, v स्मॉल कैपिटल लिखना ज्यादा बेटर है। ठीक है, तो ये ट्रिपल इंटीग्रेशन हो जाएगा बेसिकली। मैंने क्या करा, मैंने a डॉट ds निकाल कर सॉल्व करा था, अगर मैंने दोनों तरफ लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों साइड डेल्टा v से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये वाला पोर्शन डिवाइड कर दिया सॉरी, तो ये क्या बन गया, ये बन गया मेरा डेल्टा डॉट ए डेल डॉट ए। ठीक है, और जब मैं डेल वी से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, डेल वी से डिवाइड भी कर रहा हूँ, तो जब मैं इस डेल्टा वी को बहुत छोटा एज्यूम कर लूंगा तो वेरी स्मॉल के केस में ये क्या हो जाएगा, दिस विल बी कन्वर्टेड इंटू अ कंटिन्यूअस क्वांटिटी, और कंटिन्यूअस क्वांटिटी के लिए हम क्या बोलते हैं कि कंटिन्यूअस क्वांटिटी के लिए ये जो डेल्टा था, ये डेल्टा मेरा था, ये जो डेल्टा था डेल्टा वी, दैट डेल्टा वी ये मेरी डिस्क्रीट क्वांटिटी थी। ठीक है, लेकिन मुझे इसे कंटिन्यूअस क्वांटिटी में कन्वर्ट कर दिया, मतलब मैंने डेल्टा वी की जगह डी वी बना दिया, ये मेरी कंटिन्यूअस क्वांटिटी बन गई। ठीक है, तो कंटिन्यूअस क्वांटिटी में मैंने इसको कन्वर्ट कर दिया, ये सेम चीज यहाँ पर आ जाएगी। ठीक है, तो मैं इस वाले एक्सप्रेशन को आप ध्यान से देखो, ठीक है, पुराना वाला जो एक्सप्रेशन था, ठीक है, वहां पर मैंने ए एक्स ए वाई और ए जेड के करेस्पॉन्डिंग अपना टेलर सीरीज का एक्सपेंशन करा था। ठीक है, और टेलर सीरीज एक्सपेंशन के थ्रू फिर मैंने ये बोला था कि मैं उसको एक्सपेंड कर रहा हूं अराउंड पॉइंट पी, तो पॉइंट पी के अराउंड मैं कर रहा हूँ, छह सरफेस है, तो उस सेंटर पॉइंट से आगे वाली सरफेस और पीछे वाली सरफेस में रेस्पेक्टिवली डी एक्स बाई टू डी वाई बाई टू डी जेड बाई टू का इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट होगा, और उसी के डायरेक्शन में आपके वेक्टर के साइन आएंगे, तो निगेटिव वाले साइन और पॉजिटिव वाले साइन सारे कैंसिल आउट हो जाएंगे, बचेगा कुछ नहीं, केवल और केवल क्या बचेगा, ए एक्स डी एक्स डी वाई डी जेड, ए वाई डी एक्स डी वाई डी जेड डी एक्स डी वाई डी जेड है ना, और ए जेड डी एक्स डी वाई डी जेड, ये मेरा हो जाएगा वॉल्यूम। ठीक है, और डेल डॉट ए मतलब दूसरी वाली क्वांटिटी बचेगी मेरी पार्शियल डेरिवेटिव, यानी डेल ए एक्स बाई डेल एक्स, डेल ए वाई बाई डेल वाई और डेल ए जेड बाई डेल जेड है ना। अगर मैं डी एक्स डी वाई डी जेड कॉमन ले लूँ तो मेरे पास क्या बचेगा, मेरे पास बचेंगी ये वाली तीनों चीजें, डेल बाई डेल एक्स ए एक्स, डेल बाई डेल वाई ए वाई, डेल बाई डेल जेड ए जेड, और यही मेरा क्या है, यही मेरा है डाइवर्जेंस। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखो तो जो मेरा ऑपरेटर था डेल बाई डेल एक्स ए एक्स कैप प्लस डेल बाई डेल वाई ए वाई कैप, समझ में आ रहा है ना बच्चों, प्लस डेल बाई डेल जेड ए जेड कैप डॉट प्रोडक्ट विद ए, ए कितना था, ए था मेरा ए एक्स कैप प्लस ए वाई ए वाई कैप प्लस ए जेड कैप। ठीक है, तो अगर मैं डॉट प्रोडक्ट करता हूं तो क्या आएगा बताओ, ए एक्स डॉट ए एक्स विल बी वन, तो ये आ जाएगा डेल ए एक्स बाय डेल एक्स, दूसरा डेल ए वाई बाय डेल वाई, तीसरा डेल ए जेड बाय डेल जेड, और यही मेरा क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा मेरा डेल डॉट ए। तो अगर मैं इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करता हूं, तो इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के बाद ये पर यूनिट वॉल्यूम
मेरा क्या बन गया, डेल डॉट ए डी वी बन गया। तो डेल डॉट ए डी वी मुझे इस वॉल्यूम इंटीग्रेशन को सॉल्व करना है और ये मेरा क्या हो जाएगा, दिस विल बी दी आंसर, दिस विल बी दी डाइवर्जेंस थ्योरम। ठीक है, डाइवर्जेंस थ्योरम स्टेट करती है कि अगर उस वॉल्यूम के अंदर, उस वॉल्यूम के अंदर अगर कोई भी ऐसी चीज है जो कि फ्लक्स को एमिट कर रही है तो ऑटोमेटिकली फ्लक्स बाहर आएगा वॉल्यूम से, है ना। तो कितना फ्लक्स बाहर आएगा, दैट विल बी कैलकुलेटेड एज द क्लोज्ड सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर फील्ड या वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ द सेम वेक्टर फील्ड्स डाइवर्जेंस। अगर मैं उस वेक्टर फील्ड का डाइवर्जेंस निकालता हूं तो वो मेरा क्या हो जाएगा, मेरा डाइवर्जेंस थ्योरम हो जाएगी। ठीक है, इसका स्टेटमेंट आप लोग बुक से लिख लेना, आई होप आप लोग बुक से लिख लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। मैं फटाफट से अटेंडेंस ले लेता हूँ आपकी। आप लोग प्रेजेंट, प्रेजेंट बोलोगे कि कौन कौन प्रेजेंट है, भूमिका प्रेजेंट है? यस सर प्रेजेंट। ठीक, सुधीर? यस सर प्रेजेंट। शीतल? यस सर। ऋषि? यस सर। ऋषि? यस सर। ठीक, हर्षित? विनय? यस सर। और कनिष्का? यस सर। आठ, आठ स्टूडेंट्स प्रेजेंट हैं टोटल, है ना। आठ मेरा